अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू के एम केयर शेयर। वीवर्स, आज जो फेस पैक लेके आई हूँ वो विंटर्स के लिए है, क्योंकि सर्दी आ रही है और सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ये रेमेडी जो है वो आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगी, आपकी स्किन को ब्राइट करेगी और लाइट करेगी। सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है और बहुत डल नज़र आ रही होती है। ये फेस पैक आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगा, आपकी डल स्किन को नरिश करेगा। बहुत ही अच्छा फेस पैक है। आज के फेस पैक के लिए फ्रेश क्रीम यूज़ करूँगी बस। ये इस तरह से है, ये दूध की मलाई यूज़ करेंगे हम। ये आप दूध को बॉईल करेंगे, दूध को ठंडा होने दें, उस पर एक लेयर सी आ जाती है, उसको उतार लें तो ये इस तरह से आपकी क्रीम रेडी हो जाएगी। फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मैंने फ्रेश क्रीम ले ली है। मलाई में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, स्किन कम्प्लेक्शन को वाइटन कर देता है। इसके अलावा आपकी स्किन को डीपली नरिश करेगा, आपकी जितनी भी ड्राई स्किन है, रफ स्किन है, इसको स्मूथ बना देगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देगा। और मलाई जो है वो डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मैं आपको बताती चलूँ कि होम रेमेडीज जितनी भी होती हैं ये वर्क करती हैं, बट इनको एक अरसा तक आपने रेगुलर यूज़ करना होता है। एक ख़ास टाइम तक ज़रूर आप इसको यूज़ करें और फिर इसके बाद इसका रिज़ल्ट आता है। एक दफ़ा के यूज़ से किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा जब तक आप इसको रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए आप किसी भी रेमेडी को यूज़ करते हैं तो इसको कम से कम एक मंथ के लिए लाजमी यूज़ करें। अब इसमें विटामिन ई ऐड करूँगी, विटामिन ई भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके रिंकल्स को ख़त्म करता है, आपकी स्किन के ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है विटामिन ई। दो कैप्सूल इसमें ऐड करूंगी विटामिन ई के। विटामिन ई के दो कैप्सूल ऐड कर लिए हैं मैंने। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। बिकॉज मैंने इसके लिए जो है वो फ्रेश मलाई यूज़ की है। अगर आपके घर पे अवेलेबल नहीं है, आपके पास नहीं है फ्रेश मलाई, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और क्रीम। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। ये मैंने कस्तूरी हल्दी ऐड की है। हल्दी आपने इसमें ओनली 1 pinch ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि इससे जो है येलो येलो हो जाती है स्किन। बस 1 pinch ही काफ़ी है इसमें। हल्दी भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ये आपकी स्किन में ग्लो लेके आती है, आपकी स्किन को लाइट करने में हेल्प करती है, आपकी स्किन के पिंपल्स को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारी क्रीम रेडी हो गई है। इसको यूज़ करने का सही तरीका ये है कि आपने इसको यूज़ करने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। आप अपने फेस को वॉश कर लें, जो भी आप यूज़ करते हैं फेस वॉश, उसके साथ आप अपने फेस को वॉश कर लें, फेस पर लगा लें। और फेस पर लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक आप अपने फेस पर इसका मसाज करें, उसके बाद 5 मिनट तक और इसको लगा रहने दें। ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगी क्योंकि ये क्रीम है, तो क्रीम ड्राई नहीं होती। और 5 मिनट के बाद जो है आप इसको साफ़ कर लें, टिशू या टॉवल से साफ़ कर लें। और साफ़ करने के बाद आप इसको वॉश करें। इसको वॉश करने के बाद कोई भी आपको मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा बहुत अच्छी तरह से। वीवर्स, अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपने इसको वीक में 2 से 3 बार लाजमी यूज़ करना है। तो वीवर्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।